ग्रुप में नोट्स भेज दिए, लिंक मिल गया। चलो, सो हाय एवरीवन, ऑनलाइन हाय। ऑनलाइन गुड इवनिंग। ऑनलाइन कैसे सब लोग? आप लोग कैसे, कैसे लगा एक्स्ट्रा लेक्चर में आके, कैसा लगा? चलो, तो गुड इवनिंग एवरीवन। ऑनलाइन आवाज़ आ रहा है, एक बार कंफर्म करना। फिर अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर मतलब क्वेश्चन सॉल्व। ये चाहिए हमारा है, रेंट देना 200 रुपये। तो यस, गुड इवनिंग एवरीवन। तो सब लोग गुड इवनिंग बोलना है ताकि मेरे को आपका अटेंडेंस पता चले। आपका नहीं तो देख ले, डालूंगा ना बीच। उनको पता है क्या पेरेंट्स का ग्रुप है? डांट पड़ी तो सैड ना। ओके ग्रेट। तो सर ना पेरेंट्स ने गाली दी क्या? प्रेम से बोला ना, हमको बोलना डांटना नहीं है अननेसेसरी। नहीं, लास्ट टाइम एक टीचर एक ऐसा लास्ट बैच में बैठा था, पेरेंट्स को बोल दिया ऐसे ऐसे। बोले सर आपके आजू बाजू लकड़ी है क्या? बोले उठा के उसके सर पे मारो। बोले आपको पूरा राइट है? बोले ऐसा दो उसको जूते चप्पल से मारो। बोले अटेंड नहीं कर, मैं इतना पैसा भर रहा हूँ और अटेंड नहीं कर रहे। बोला सर मैं ही नहीं मारूंगा और आप भी उसको घर पे नहीं मारोगे, मेरे को प्रॉमिस चाहिए आपसे। बोले ये समझदार लड़का है क्या, मारना नहीं बोले किसी को, है ना? वो उसको समझा नहीं गया तू क्या गलत कर रहा है। बोला आप भी नहीं मारोगे, मेरे को प्रॉमिस दो। तो घर पे जाके बोला आने दो, घर पे देखता हूँ भाई, मेरे से इसको मार पड़ती। इसलिए बोला कि सर आप नहीं मारेंगे उसको, मेरे लिए एक बार सुनना, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बोलूंगा नहीं, आप फिर धोना। बोले ठीक है सर, इस बार सुने तो आप दंडित भेजते तो बोले सर फोड़ दो उसका। बोला मैं टीचर हूँ, बोला मैं टेलर थोड़ी हूँ, मैं मारने के लिए नहीं बोला, लोगों को सुधारने के लिए हूँ। चलिए सो गाइस स्टार्ट करते हैं। आइए पहला अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के बेसिक्स ऑफ GST। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो है यूटिलाइजेशन ऑफ ITC, ITC को यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो पहले अपन एक रिविजन के लिए टेबल बनाते हैं एंड फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें आपको जहाँ जहाँ पर डाउट है मेरे को पूछते जाओ। अब ये सेशन आपके लिए है कि ओपन फोरम है, आप जो चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है, एंड थोड़ा प्रिपेयर होकर आएंगे तो और मज़ा आएगा, ठीक है? चलो, तो ITC में हमको क्या पता होना चाहिए? अच्छा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ITC? बेसिक से शुरुआत करते हैं। ITC का लॉन्ग फॉर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट का मतलब होता है, बोलिए सर इनपुट का मतलब क्या होता है? परचेज। टैक्स का मतलब GST का टैक्स। क्रेडिट का मतलब आउटपुट माइनस इनपुट। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेडिट। ये क्रेडिट क्यों मिलता है सर? टू एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट। ये फॉर्मूला क्यों बना है? रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट के लिए 10 रुपये का फाइन नहीं रहेगा, यहाँ पे लेट आने के लिए फाइन नहीं रहेगा 10 रुपये। बच गए आप, तो ये क्लियर है क्या? ये समझा क्या? क्योंकि काफी बच्चे पूछते हैं सर ITC क्या है। तो लगता है कि सर बात कर रहे ITC मतलब इंडियन टोबैको कंपनी, वैसा कुछ भी नहीं, ठीक है?
तो व्हाट इज इनपुट परचेस टैक्स मतलब जीएसटी क्रेडिट मतलब आउटपुट में से इनपुट माइनस करना क्यों करना है तो एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट ठीक है तो ये प्रोसेस मैं आपको सिखाने वाला ऑनलाइन सबको समझ में आ गया अच्छा समझ में तो ऑनलाइन को क्या बोलना है पता है नहीं ऑनलाइन को पता है क्या बोलना है लास्ट बैच में एनीवन फ्रॉम लास्ट बैच नहीं ऑनलाइन एनीवन लास्ट बैच क्या बोल यस नहीं बोलना है मैंने एक शब्द दिया था सोचो नहीं तो बताता हूँ चलो अभी बताइए कितने इनपुट्स है जीएसटी में बोलो ना यस वास्त्र बोलना है यस वाह बोलना है अरे वाह यस सर नहीं बोलना है अरे वाह बोलना है ना तो ऑनलाइन क्या बोलना है अरे वाह बोलना है यस सर पुराना हो गया अभी तो नया करते हैं तो पहला इनपुट है आईजीएसटी और आउटपुट है तो बोलो ये आईजीएसटी सबसे पहले कहाँ पे यूज करना है आईजीएसटी के उसके बाद टीजीएसटी और तो ये आपका चॉइस है आप सी के लिए भी यूज कर सकते हैं एस के लिए यूज कर सकते दोनों आधा आधा कर सकते सिचुएशन देख के डिसाइड करना है कौन सा अमाउंट कहाँ पे यूज करना है इसमें कोई प्रॉब्लम सेकंड के बाद कंपलसरी सीजीएसटी यूज करना है ये सीक्वेंस भी फिक्स है तो पहले क्या यूज करना है बोलो आईजीएसटी उसके बाद जीएसटी बराबर है टीजीएसटी पहले कहाँ पे यूज होगा उसके बाद आईजीएसटी एंड व्हाट अबाउट एसजीएसटी टीजीएसटी एसजीएसटी का सेटलमेंट नहीं होगा एक सेंट्रल का और एक स्टेट का है तीसरा एसजीएसटी बोलो पहले कहाँ पे यूज करना है एसजीएसटी उसके बाद आईजीएसटी चलो तो इतना समझा ऑनलाइन तो सबको बोलना है अरे वाह ऑनलाइन को आपको समझा तो कोई प्रॉब्लम सिंपल अच्छा अभी इसमें काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कौन किसको पैसा पे करेगा तभी आईजीएसटी और एसजीएसटी का सेटलमेंट होता है ना आईटीसी सेटअप होता है देखो यहाँ पे भी हो रहा है कि नहीं आईजीएसटी में से एसजीएसटी सेटअप हो रहा है कि नहीं तो इसमें कौन किसको पे करेगा ये आप मेरे को तो इस इनपुट से रेवेन्यू कम हो गया वो देगा तो पहले केस में स्टेट को पैसा मिलने वाला था इसके वजह से कम हो गया आउटपुट मतलब मिलने वाला टैक्स तो स्टेट को मिलने वाला था एक्स वाई जेड अमाउंट इसके वजह से कम हो गया आईजीएसटी की वजह से कम हो गया तो कौन किसको पे करेगा यहाँ पे टीजीएसटी शाल पे टू स्टेट गवर्नमेंट एंड सेकंड केस में स्टेट गवर्नमेंट शाल पे टू सेंट्रल गवर्नमेंट तो गाइज ये फॉर्मेट सबको समझा के बताइए क्योंकि अभी मैं न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ ऑनलाइन इनको समझा फटाफट भेजो अरे वाह नहीं भेजा तो श्राप लगेगा पांच मार्क कम हो जाएंगे और मेरा श्राप बहुत डेंजर रहता है क्यों हो गया अपना बेसिक रिवीजन ऑनलाइन क्लियर है क्या अच्छा ये रिवीजन लेक्चर है तो आपका चैप्टर वन कंप्लीट होना ज़रूरी है डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा ठीक है चलो थैंक यू सो मच तो वैसे भी मैंने तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है ग्रेट थैंक यू सो मच चलो करेंगे सॉल्व क्वेश्चन आइए ये रहा आपके लिए मस्त क्वेश्चन देखो क्या दिया है मिस्टर रॉकी भाई सप्लायर ऑफ गुड्स पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन ही हैज मेड फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाई इन द मंथ ऑफ मार्च इंट्रास्टेट किया है और इंट्रास्टेट भी किया है तो 6 लाख का इंट्रास्टेट है 2 लाख का इंट्रास्टेट है बोलो इंट्रास्टेट सप्लाई पे कौन सा टैक्स आता है एंड इंट्रास्टेट पे क्या था कोई प्रॉब्लम नहीं परफेक्ट He has also furnished following information in respect of purchases made by him.
तो इंटरेस्ट रेट परचेस किया है उस पर क्या लगेगा, जीएसटी प्लस एजीएसटी एंड यहाँ पे यहाँ तक तो सो फर सो गुड। हाँ, ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप उसका अलग नोटबुक बनाओ, इसका नाम देना लाइव सेशन नोटबुक, मतलब अपना रेगुलर क्लास बुक अलग रहेगा, चार्ट्स का अलग रहेगा, मतलब मेरे को प्रॉब्लम नहीं, आपको बाद में ढूंढने मुश्किल होगी कहाँ से आए, आपको अगर एक साथ ओके तो मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके कन्विंस के लिए, इट्स योर चॉइस, बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप सभी लेक्चर, क्योंकि अभी जून 6 महीने चलने वाला है, तो अगर आप सभी लेक्चर अटेंड करने वाले हो तो अपने अलग ग्रुप बनाए तो बेटर होगा, तो आप इसमें क्या मिक्स हो जाएगा सब, क्लास के क्वेश्चन भी ढूंढेंगे ये कहाँ से आए ये कहाँ से आए, टाइम वेस्ट नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना। चलो नाउ आईटीसी, ये फर्स्ट टाइम है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी दिया है। अच्छा, व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस, जो अपन कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, लास्ट मंथ का जो कैरी फॉरवर्ड है वो इस साल का क्या होता है, ओपनिंग होता है। अपने को सेटअप के प्रोविजन अप्लाई करना है, उसमें अपने को दो चीज़ें फाइंड आउट करना है सबको, पहले अपने को आईटीसी फाइंड आउट करना है टोटल कितना है, टोटल पेएबल फाइंड आउट करना है, एंड बाद में उसका क्या करना है, सेटलमेंट करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमेशा बनाना है, स्टेटमेंट शोइंग आईटीसी, स्टेटमेंट शोइंग। चलो टेबल बना फटाफट, कैल्सियम सबके पास, स्टेटमेंट शोइंग आई टी सी। पर्टिकुलर्स आई जी एस टी, जी एस टी, एस जी एस टी, हमेशा यही सिक्वेंस फॉलो करना है। तो श्रावणी एंड यश, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, अलग नोटबुक मेंटेन करेंगे तो आपके लिए ढूंढना आसान हो जाए, तो बाद में क्या होगा, ढूंढते रह जाओगे होगा। अच्छा, पहले लिखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, यूज़ करना है ना, हाँ कितना है क्वेश्चन में, फॉर्मेट बन लिया सबका, हो गया फॉर्मेट बना के, देखो जिनका क्वेश्चन ही दिखाता हूँ, देखो ओपनिंग बैलेंस कॉपी करो, सी जी एस टी का 15,000, एस जी एस टी का 35,000, आईजीएसटी का 20,000। यस, ये बुक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, बुक में जो है वो तो मैं क्लास में सॉल्व करता हूँ, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैं आपको जो घर पे देने वाला वो अलग है, मैं जो भी कर रहा हूँ सब अलग है, कोई रिपीटेशन नहीं, फिर मतलब नहीं ना करके, सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जो भी करूँगा सब एक्स्ट्रा होगा, तो आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, ठीक है, ठीक हो गया। चलो मेरे को बताओ अभी कितना है, पहला कौन सा, जी एस टी, एस जी एस टी। चलो अभी अपन ऐड करेंगे परचेसेस का जी एस टी, बराबर ना, पहला कौन सा परचेस है, इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट परचेस पहला, देखो जिनके पास क्वेश्चन ही देख लो स्क्रीन पे, कितना है बोलो, 6,00,000, कितना है, एक मिनट रेट पढ़ना भूल गया, रेट देखो कितने हैं, सी जी एस टी, एस जी एस टी 99% है, आई जी एस टी 18% है, ये भी दिया कि ये जो अमाउंट है इसमें जी एस टी इंक्लूड नहीं है, जो सेल परचेस का डिटेल दिया उसके ऊपर जी एस टी निकाल इंक्लूड, क्योंकि अपन वहाँ तक अभी गए नहीं है, वो भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, बट अभी उसके लिए समय है। ऑल द कंडीशन हैव बीन फुलफिल्ड, अभी आई टी सी के कंडीशन क्या है वो मैंने आपको बताया नहीं है, अभी अपन बेसिक्स में है, ये दो पॉइंट जो है अपन बाद में कवर करने वाले हैं, अभी आप टेंशन मत लो, मतलब उसको कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। चलो इंटरेस्ट रेट परचेस कितना है बोलो, 6,00,000, बोलो व्हाट इज द रेट, 99% ना, 4,00,000 है, सॉरी चार लाख का 9%, 36,000 एड, इंटरेस्टेड परचेस एड, इंटरेस्टेड परचेस कितने का इंटरेस्टेड, 2,00,000 का 18%, कौन से कॉलम में आएगा,
अरे ये परचेस है 50,000 का आएगा, सॉरी गलत लिया, 50,000 का 18% आएगा, 9,000 आएगा। हो गया अपना टोटल आईटीसी, ट्वेंटी नाइन थाउजेंड अगेन फिफ्टी वन थाउजेंड। ऑनलाइन सब लोग रिप्लाई करेंगे, अरे वाह, जिनको समझा है, नहीं समझा वो डाउट भेजेंगे, फटाफट करना है, टाइम कम है, मैक्सिम क्वेश्चन सॉल्व करना है। काम में ऐसा होता है, 71,000 चेक करो एक बार, आंसर करेक्ट है क्या अभी? यह है आंसर, क्लियर है? ऑनलाइन फटाफट रिप्लाई करो। यस, नाउ ने अभी सेकंड स्टेटमेंट आएगा जिसमें हम जीएसटी पे करेंगे। लिखो स्टेटमेंट शोइंग जीएसटी पे, सेम फॉर्मेट बनेगा। पर्टिकुलर्स आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड यस, पहले अपने को आउटपुट जीएसटी निकालना पड़ेगा। अच्छा, आउटपुट में क्या क्या बताओ, कितना सेल हुआ है, इंटरेस्ट रेट है ना, पहले 1,00,000 का 9%, दोनों कॉलम में आएगा 54,000, सही है क्या? तो 6,00,000 का अपना इंटरेस्ट रेट सप्लाई है, 9% टैक्स होगा, बराबर है क्या? ऑनलाइन नेक्स्ट बोले इंटरेस्ट रेट कितना है, बोला गया ना 18%, 36,000 टोटल मेरे को पे करना है, 36,000 4,000 4,000। समझा प्रेजेंटेशन कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन? अभी इनपुट में पहले हमेशा आईजीएसटी लिखो, ऊपर का बैलेंस लिख दो, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, आगे का क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे मेरे को। आईजीएसटी मेरे पास 29,000 है, 31,000 है और ये है 71,000। चलो 2 मिनट देता हूँ, आप आपकी सबसे सॉल्व करो। ऑनलाइन मैं हर एक से आंसर चाहता हूँ, आप जब तक तो कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। फैकल्टी सॉल्व करेगा तो बस आप कॉपी करेंगे तो मतलब नहीं, ऐसे भी सेशन आप करो। और ये सेशन इसलिए रखा है कि आपके डाउट्स क्लियर हो, तो आप जेन्युइनली सॉल्व करो, एंड जिनका गलत हुआ मैं एक एक का क्वेरी सॉल्व करता हूँ, डोंट वरी। ऑनलाइन प्लीज सेंड आंसर, ठीक है ना, जो भी है ऑनलाइन प्लीज सेंड द आंसर एवरीवन क्विक। बोलो सबसे पहले यूज क्या करना है, आईजीएसटी फॉर, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय खत्म, आईजीएसटी का खेल खत्म।
उसके बाद CGST पूरा यूज होगा एंड SGST बोलो पेबल कितना आ रहा है। हाँ अभी कहाँ पे यूज करना है उसको, और IGST में कितना कम पड़ रहा है, IGST में 7000 क्या कर रहा है, कम पड़ रहा है। तरुषी एक बार आंसर चेक करो, थोड़ा सा छोटा सा मिस्टेक हुआ है, चेक करो। तो ये पेबल जीरो होगा, जीरो होगा, ये जीरो होगा, थाउजेंड होगा, बराबर ना। एंड कौन सा टैक्स कैरी फॉरवर्ड होगा बताओ, IGST 29 यूज हो गया, GST 15 यूज हो गया, जो SGST है 71,000 में से मैंने 7,000 यूज किया, 54,000 यूज किया, कितना बचा 10,000 जो कैरी फॉरवर्ड होगा। बस इतना ही करना है एग्जाम में, आपको 3-5 मार्क्स मिलने वाले हैं। नाउ आपके क्वेश्चन क्या मेरे को बताओ, कौन सा 3,000 यूज किया, वो पे करना है, आउटपुट माइनस इनपुट इज पेएबल, वो अपन ने पे किया गवर्नमेंट को, तो उनका रेवेन्यू कम नहीं है, वो तो आप पे करने वाले, वो पे करना है। यूज किया मतलब ये यूज किया, जो अपन एडजस्टमेंट करते हैं ना, बोलते यूज करना, पे करने के लिए। ऑनलाइन क्लियर है, आदित्य ने आंसर दिया CG 1000 और SGST 10,000। अच्छा कैरी फॉरवर्ड का आंसर है, बराबर है, बराबर है आदित्य, बराबर है। ऑनलाइन इज दिस क्लियर टू एवरीवन, फटाफट मैसेज ड्रॉप करो कुछ डाउट से, तो नहीं तो अरे वाह भेज दो फटाफट। आपको समझा क्या कि अभी एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला सॉल्व करने के लिए इमीजिएटली, आप सबको क्लियर है, कोई डाउट है अभी भी को, कौन सा पार्ट ये वाला, पहले बताओ CST में से हम क्या क्या पे कर सकते हैं। हाँ तो नहीं सॉरी, SGST कितना है मेरे पास 71,000, इसमें से पहले SGST पे करना है 54 यूज हो गया, मेरे पास कुछ बैलेंस है क्या बोलो, है ना 71 में से हमने 54 यूज किया, कितना बैलेंस है, बैलेंस मेरे पास है 17,000। IGST में कितना पैसा कम पड़ रहा है, 36 में से 29 IGST का है, 7,000 पेबल आ रहा है, ये 7 महीने वहाँ पे यूज में से 7,000 मैंने IGST में यूज एंड बचा 10,000 एक्स्ट्रा है तो मैंने कैरी फॉरवर्ड किया अगले मंथ, जो इस बार का ओपनिंग था ना, ये देखो ये ओपनिंग था ना, ये वाला ये है वो, अगले बार ओपनिंग में आएगा वो, कल का जो कैरी फॉरवर्ड है वो अगले पीरियड में क्या आएगा, ऊपर ओपनिंग में आ जाएगा। अभी बोलो कुछ डाउट से क्या, तुम्हारा डाउट कन्फर्म क्लियर हो गया तुम्हारा, बोलिए। क्योंकि अपन ने सामने वाले से 54,000 कलेक्ट किया था, उसके अगेंस्ट 51,000 गवर्नमेंट को पे किया, मैंने कस्टमर से 54 कलेक्ट किया है उसमें से मैंने 51 पे किया है, GST इज द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, तो 54 में से मैं 51 दे चुका हूँ, कितना देना पड़ेगा, देना पड़ेगा नहीं नहीं वो अलग बात है, वो उसका डाउट है कि 3Q आया है। अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोला अभी, नहीं हो सकता ना क्योंकि ऊपर अपन ने पढ़ा ना क्या, SGST और CGST का मिलाप नहीं हो सकता है ना, मैंने बताया था ना उसका सेट ऑफ नहीं होगा, इसे नहीं किया है ठीक है। अच्छा इसमें नोट कब आती है बोलो, नोट कब आएगी, नोट आएगी ना इसमें भी आएगी ना, चलो नोट क्या आएगी बताऊं, किसका पैसा, किसके पैसे से किसका रेवेन्यू कम हो गया, IGST का रेवेन्यू डेट की वजह से कम हो गया क्या, ये अगर नहीं होता 7,000 तो IGST को 7,000 मिलता कि नहीं, तो ये 7,000 अपन ने किसका यूज किया है, डेट का, किसका रेवेन्यू कम हुआ, सेंट्रल का, तो कौन किसको पे करेगा, स्टेट गवर्नमेंट शैल पे टू सेंट्रल गवर्नमेंट,
कि सेंट्रल का रेवेन्यू स्टेट की वजह से कम हो गया। इमेजिन करो ये 7 नहीं होता तो क्या होता बोलो, तो सेंट्रल को 7,000 मिलता कि नहीं? ये 7,000 कम क्यों हो गया? स्टेट के वजह से कम हो गया। किसके वजह से कम हो गया? स्टेट के वजह से। तो देखो नोट, स्टेट गवर्नमेंट शाल पे 7,000 टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट शाल पे 7,000 टू सेंट्रल गवर्नमेंट। पॉइंट आउट कंफर्म क्लियर हो गया 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको आंसर करना है ऑनलाइन। एचडीसी कैरी फॉरवर्ड क्यों किया? क्योंकि वो बचा है ना उतना, मेरे पास 71,000 है उसमें से जितना इतना यूज हुआ है, तुम्हारे बैंक में 71,000 है उसमें से इस महीने तुमने 54,000 और 7,000 खर्च किया है, तो बचा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, तो वही किया है, बचा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया। क्यों किया मतलब इसका आंसर क्या दूंगा मैं आस्था, कि वो एक्स्ट्रा है ना इसलिए कैरी फॉरवर्ड किया। ऑनलाइन क्लियर है क्या? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, इसमें नहीं है अलग से सॉल्व करेंगे, एक ही है अभी मैं और देने वाला हूँ ना, इसलिए बाकी के क्वेश्चन 2 के हैं। आपको समझा कि नहीं? कंफर्म? चलो अभी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, चेक करते आपको समझा कि नहीं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये नोट्स में नहीं है एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा वापस क्लियर कर देगा। चलो आंसर लिखो ऑनलाइन, सबको सॉल्व करना है। आज के सेशन होते 3 मार्क घर पे लेके जाना है, मेरी गारंटी आपको, एग्जाम में 1 मार्क भी नहीं जाएगा। तो सॉल्व करो अब ईमानदारी से और सेशन अटेंड करते रहना जब मैं मिलूंगा। हो गया तुम्हारा डाउट क्लियर? हो गया, वही था पिछले क्वेश्चन। बोलो क्या है, कितना आएगा? पेबल, पेबल जीएसटी 16,000 एंड नोट क्या आएगा? जीएसटी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ GST, एक्स्ट्रा नोट SGST कैरी फॉरवर्ड 12,000। एक्सेलेंट, सबको समझा क्या? बोलो इजी लगा अभी? चलो और एक क्वेश्चन, ये 12,000 तुमने यूज किया क्या? तुम्हारे बैंक में 12,000 है तुमने खर्च नहीं किया इस महीने, तो अगले महीने तुमको चाहिए मैं निकाल के ले लूँ? चाहिए ना, तो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा ना, नहीं चाहिए तो मेरे को दे दो। हाँ, इनपुट वाला जब यूज़ नहीं होगा तो बचाओ कैरी फ्रॉड होगा। इनपुट मतलब तुम्हारे बैंक में पैसा है 12,000, लेकिन तुम 16,000 के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो 16,000 तो पे करना पड़ेगा, 12,000 क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड मतलब जो पैसा अपन यूज़ नहीं करते बैंक में, यूज़ नहीं कर सकते, बैंक के रिस्ट्रिक्शन है, बेयर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, वो यूज़ नहीं कर सकते पैसा है। तीसरा क्वेश्चन देखो,
हाँ बोलो, तो आउटपुट में क्या है? आउटपुट आईजीएसटी बराबर है कितना? 24। अभी आईजीएसटी के लिए दोनों यूज हो सकते हैं, लेकिन हमेशा सेंट्रल का टैक्सेस सेंट्रल के लिए पहले यूज करना है, ताकि एक दूसरे को लेने की लेन देन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें से भी आप पे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या यूज करना है बोलो? सेंट्रल, सेंट्रल का दोनों सेंट्रल की है ना, किसी को पे करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या यूज करूंगा मैं? इनपुट कितना है? 15,000। फिर भी कितना पैसा कम पड़ रहा है? हाँ, तो अभी पेबल 9,000 आ रहा है। तो ये हम कहाँ से यूज करेंगे? ऑप्शन कितना यूज करेंगे? 9,000। तो पेबल कितना होगा? 0। एंड मैं चाहता हूँ कि इसमें दो नोट आएंगे, नोट 1, नोट 2। देखते हैं कौन क्या लिख सकता है। बराबर है। पहला नोट क्या आएगा? SGST कैरी फॉरवर्ड कितना होगा? मेरे बैंक में 17,000 रुपये थे, मैंने 9,000 मेरे फ्रेंड को उधार दिए IGST को। कितना कैरी फॉरवर्ड होगा? 8,000। एंड अभी बताओ 9,000 किसको मिलने वाला था? सेंट्रल को। ये किसके वजह से कम हुआ? तो कौन किसको पे करेगा? स्टेट गवर्नमेंट शैल पे 9,000 टू सेंट्रल गवर्नमेंट। खत्म, टाटा बाय बाय। मतलब समझा कि नहीं? अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? सब डाउट्स क्लियर हो गए? अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। ऑनलाइन सबको समझा तो बोलो अरे वाह, फटाफट मैसेज भेज दो, डाउट भेज दो, रिप्लाई आना कंपलसरी है आपको, आपके डैश की कसम। हो गया डैश कैन बी एनीथिंग डैश। Address could be your father, mother, boyfriend, girlfriend, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? बॉबी देओल हो सकता है, जो भी है ना? Okay, great, thank you so much, great. Next question solve करेंगे, question 4. चलो गुड IGST, आगे बता रहा हूँ, पहले सेंट्रल के टैक्सेस सेंट्रल के साथ सेट ऑफ करना। तो IGST पहले कहाँ पे होगा बोलो? IGST बाद में CGST बाद में SGST, ठीक है? चलो तो पहले यहाँ पे 12,000 यूज कर दूँ मैं,
फिर यहाँ पे तो मेरे पास 47,000 थे, जैसे 12,000 आईजीएसटी के लिए खत्म हो गए, टीजीएसटी के लिए 28,000 खत्म हो गए, कितना बचा 19, उसमें से एचजीएसटी पे कर सकता हूँ, यस, तो 19 में यहाँ पे करूँगा, तो पेबल आएगा, ठीक है ना, करेक्ट तरुषी, करेक्ट है, पेबल 6,000। अच्छा नोट क्या आएगा, अच्छा ये 19,000 रेवेन्यू किसका था बोलो, स्टेट गवर्नमेंट का ना, तो 25,000 अगर 19 नहीं होता तो बोलो स्टेट को कितना मिलता, 19,000 नहीं होता तो स्टेट को 25 मिलता, तो 25 का रेवेन्यू 6 हो गया, स्टेट का रेवेन्यू 19,000 से कम हो गया, तो कौन किसको भरेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल पे 19,000 टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पर लेक्चर ले दो, शाम ऐसा होता है घर की याद आती है ना, भूख लग, एनर्जी डाउन हो जाती है, सेंट्रल विल पे 19,000 टू स्टेट, क्लियर है क्या, अभी कोई प्रॉब्लम, चैप्टर वन क्लियर है सबको, एकदम फुल कॉन्फिडेंस, मैंने एग्जाम ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ग्रुप पे मैसेज भी आ गया है, पहले 3 चैप्टर कट, एक्सटेंड किया क्योंकि अपलोड करने में लेट हुआ ना, थोड़ा ऐप में हुआ मैं चेक करा, मेरे को टीम से मैसेज आया कि सर पेपर हैज बीन अपलोडेड, देन आई पुट मैसेज ऑन द ग्रुप, दिख रहा है ना, और शायद तुमको पता नहीं रहेगा कहाँ पे देखना, हाँ तो, और टेस्ट सबको देना है गाइस, नो टेस्ट से डरना मत, टेस्ट से उल्टा आपको ऐड आएगा, मेरे को भी ऐड आएगा, आपको कितना समझ में आ रहा है, तो टेस्ट इज नथिंग बट स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो, है ना, तो ईमानदारी से टेस्ट देना है और उसको अटेम्प्ट करना है, टेस्ट जो नहीं देंगे ना बुरे फंसेंगे, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, 10 एंड 12th में अपने को ज़्यादा मार्क्स क्यों मिले, बिकॉज वी गिव मैक्सिमम टेस्ट, सेम फंडा यहाँ पे अप्लाई करो, जिन लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर बनाना है इस कोर्स में, यू मैक्सिमम टेस्ट, यू विल सक्सीड लाइक एनीथिंग, टेस्ट से जो भागता है हैविंग लो कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब आप टेस्ट देंगे, जिससे आप डरते हो वो करने के बाद डर खत्म होता है, ये बोला कि नहीं, तो टेस्ट प्रॉपरली प्रिपेयर करके जितना हो सकता है आप टेस्ट दो, एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है, मैं लगभग 20-30 टेस्ट लेने वाला हूँ, हाँ कम से कम, हर 3 चैप्टर के एक टेस्ट होने वाला, हर 3 चैप्टर के बाद 20 टेस्ट हो जाएंगे आपके, सब सबने अटेम्प्ट करना जरूरी है, मैंने आपको बोला है मैं जो भी प्रोसेस आपसे करा रहा हूँ बस आपको अटेंड करना है, बस टेस्ट एक्स्ट्रा लेक्चर में जो भी बोलूँगा घर पे करते जाओ, बाकी आप एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, मैं हूँ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के लिए, बस मैं जो दिया वो पढ़ते रहो, बट स्टूडेंट के मेरे से ज़्यादा एक्स्ट्रा एक स्टेप आगे निकल जाते हैं कि ये नहीं करना है, मेरे को नहीं लगता ज़रूरी है, फिर वहाँ पर गड़बड़ होती है, सभी लोग दिमाग लगाएंगे तो अप्लाई कौन करेंगे, मैं हूँ दिमाग लगाने के लिए, आप अप्लाई करो, ओके मैं चेक कर रहा था सार्थक एंड मिली, मैं चेक कर रहा था क्यों नहीं दिख रहा है, एंड जस्ट गिव मी वन डे, हो गया, चलो अभी सेकंड चैप्टर करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व, अच्छा सेकेंड चैप्टर में जो अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है वो 9-5 का करना है, क्या करना है 9-5 का चार्ट अपने पास है, 9-5 इज ईसीओ, तो ईसीओ के थ्रू अपन जो 5 सर्विसेज देते हैं है ना, कितने देते हैं 5, उस पर जीएसटी कौन देगा, ईसीओ, उसमें 3 केसेस अपन ने डिस्कस किए, पहला केस 5 लोग अनरजिस्टर है पूरा जीएसटी कौन देगा, ईसीओ, दूसरा केस सभी लोग रजिस्टर है उसमें कैब ऑपरेटर एंड रेस्टोरेंट जीएसटी ईसीओ देगा एंड बाकी सबका जीएसटी खुद को भरना पड़ेगा, एंड तीसरा केस 5 लोगों ने सर्विस डायरेक्टली कस्टमर को दिया है तो 5 लोगों को जीएसटी भरना पड़ेगा, बस 9-5 एक मिनट का काम है, वापस एक बार रिवाइज करते हैं,
बोलो पहला ईसीओ के थ्रू, ईसीओ 95 ईसीओ के थ्रू अगर 5 सर्विसेस है गुड्स नहीं अगर जाती है तो बाय डिफॉल्ट जीएसटी कौन देगा? ईसीओ। ये फॉरवर्ड चार्ज है, रिवर्स चार्ज नहीं है। ईसीओ के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और ये जो जीएसटी ईसीओ ने कलेक्ट किया है ये उसको कंपलसरी भरना पड़ता है। ये आईटी सेगमेंट एडजस्ट नहीं कर सकता है लाइक आरसीएमएच। ईसीओ को अमाउंट कंपलसरी गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। ईसीओ के पास अगर कुछ एग्जिस्टिंग क्रेडिट है वो एडजस्ट नहीं कर सकता। ये एडजस्ट करने के लिए किसी एक ने तो गवर्नमेंट को पे करना चाहिए ना, तो ईसीओ ने एडजस्ट कर डाला तो गवर्नमेंट को देगा कौन? क्या उन लोग को समझा कि जैसे ईसीओ को 15,000 पे करना है ऑन स्पेसिफाइड सर्विसेज, ईसीओ के पास 12,000 का क्रेडिट है वो क्रेडिट यूज नहीं कर पाएंगे, 15,000 भरना पड़ेगा बाद में। समझ में आ गया? वो भरना पड़ेगा क्योंकि उनका आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी नहीं है। चलो तो ये अपन कुछ ट्राई करते हैं, क्वेश्चंस अलग टाइप के क्वेश्चंस बनाए, लेट्स से आप कितना हेल्प करते हैं। एक्स अ दिल्ली रेसिडेंट सबमिट कैब रिक्वेस्ट टू स्पीड कैब फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव। स्पीड कैब इज ईसीओ। स्पीड कैब इज अ मोबाइल एप्लीकेशन ओन मैनेज बाय स्मार्ट कैब टेक्नोलॉजी लोकेटेड इन इंडिया। द एप्लीकेशन फैसिलिटेट पोटेंशियल कस्टमर टू कनेक्ट विद द पर्सन प्रोवाइडिंग कैब सर्विस अंडर ब्रांड नेम ऑफ स्पीड कैब। ओके। आफ्टर एक्सपेस द कैब चार्जेस यूजिंग हिज डेबिट कार्ड। Here's the detail of driver, so why and cab registration number. Okay. With reference to GST Act, discuss who is liable to pay GST in this case. Will your answer be different if smart cab technology is located in New York and does not have representative in India? Okay. अपन मिलके सॉल्व करते हैं। तो ये आपको मेरे साथ बनाना है। Question one, लिखो 95. Chapter 2 लिखो। अब और मेरे को आप ये भी बताओ चैप्टर वन के क्वेश्चन इनफ है क्या, क्योंकि मैं मेरी हिसाब से ले रहा हूँ तो आपको मेरे को फीडबैक देना है। आप बोलते हैं सर और लो तो नेक्स्ट सेशन में आई विल ब्रिंग मोर क्वेश्चन। एक्स्ट्रा रिवीजन है, मैं मेरी हिसाब से ले रहा हूँ क्वेश्चन, तो यू जस्ट गिव मी इनपुट की इनफ है। मैं मोस्टली सब वैरायटी कवर कर रहा हूँ, मतलब जहाँ जहाँ पे न्यूमेरिकल आते हैं मैं बराबर कवर कर रहा हूँ। फिर भी इफ यू नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट प्लीज लेट मी नो। ओके, ईसीओ में पहला बोलो ईसीओ कौन है बताओ इस केस में, हु इज द ईसीओ? स्मार्ट कैब है, स्पीड कैब है, तुम स्मार्ट हो बट कैब स्पीड है। यह है ईसीओ, बराबर है। अच्छा प्रोवाइडर कौन है? नहीं कौन है प्रोवाइडर? मिस्टर एक्स ना, तो मिस्टर एक्स कौन है? नहीं रिसिपेंट है ने? तो इसने कैब बुक किया है और ये ऑर्डर किसका चला गया? तो वाई कौन है? ऑपरेटर, ऑपरेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्राइवर बोलो, कुछ भी बोलो, ड्राइवर मतलब कैब ड्राइवर, ठीक है ना। ओके बताऊं, अभी ये सर्विस ईसीओ के थ्रू दिया है तो पहला क्वेश्चन है विल पे जीएसटी, ईसीओ जीएसटी देगा। इसका लॉजिक मैंने कहा था, पुणे का एग्जांपल दिया था, पुणे में वी हैव मोर देन 30,000 रजिस्ट्रेशन फॉर ओला एंड उबेर। अगर इन लोगों ने जीएसटी नंबर ले लिया मैं हेलीकॉप्टर बुक कर दूंगा। क्यों? लाइन लगी मेरा ऑफिस में जीएसटी नंबर लेने की। आई बी द मोस्ट हैप्पीस्ट पर्सन। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट इससे उठा 2 साल के लिए हटा दे, बस 2 साल हेलीकॉप्टर ले लूँगा मैं। कस्टमर होने की मेरे जितने इंडिया में कैब ड्राइवर सबको जीएसटी नंबर लेना है तो मेरे पास आएंगे ना वो। मेरा पर्सनल फायदे की बात हो रही है रे, समझो गवर्नमेंट सुन नहीं रही। बस 2 साल के लो हटा तो बहुत ज़्यादा नहीं, 2 साल। बट गवर्नमेंट को डर है कि आफ्टर 2 ईयर्स ऑल कंसल्टेंट विल रिटायर यूनानिमसली, देयर विल नॉट बी एनी कंसल्टेंट टू फाइल रिटर्न। ये गवर्नमेंट वैसे नहीं कर, बहुत गलत है। तो एनी वे विल पे जीएसटी, तो देखो कैसे लिखना है एग्जाम में बताओ, प्रेजेंटेशन देखो, कल प्रोविजन ऐसे लिखना है, लीगल प्रोविजन लिखो, व्हेन, ऐसे व्हेन नहीं लिखो, इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सर्विस, ऑफ स्पेसिफाइड सर्विस
प्रोवाइडेड थ्रू ईसी। द लायबिलिटी पे टैक्स ऑन, ये आपको ऐसे लिखना है लीगल प्रेजेंट, मतलब लीगल प्रोविजन करके। अब इसमें अगर आपको एक्स्ट्रा एड ऑन करना है आपके नॉलेज के लिए, एग्जाम में लेते के लिए रजिस्ट्रेशन क्या है कंपलसरी, प्लस ये जो अमाउंट आएगा उसको कंपलसरी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, वो आईटीसी यूज नहीं कर सकता, बट ये कंपलसरी लिखना लिखना, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो इसी के लिए रजिस्ट्रेशन क्या है कंपलसरी, एंड जो भी अमाउंट आएगा उनको जेब से पे करना है। ओके, तो ये हो गया लीगल प्रोविजन, अभी एक इनफ है। अभी नेक्स्ट लिखूंगा मैं एनालिसिस, इन गिवन केस स्पीड कैप कैब है कैप है, तो इनमें क्या क्या होता है ना, हाँ, इन गिवन केस स्पीड कैप इज तो हेंस GST GST is payable by speed cap, लिख दो, hence GST is payable by speed cap, speed cap, ये पहला क्वेश्चन। हाँ, इस तरह से थ्योरी के आंसर लिख, डायरेक्टली तो मार्क्स कम, बोलो ये सब सब्जेक्ट में फॉलो करो, बहुत मार्क्स बढ़ेंगे। नहीं नहीं लीगल प्रोविजन मैंने मेरे वर्ड्स में लिखा है, तुम नोट्स चेक करना, लिखना है तुम मेरा फॉर्मेट फॉलो करना, इवन फॉर थ्योरी पांच पांच मार्क आपके ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो इसमें लिखो ना पॉइंट वाइज, बहुत अच्छा होगा अगर आप लिख सकते हैं कि आपने अभी प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग नहीं देखा, ऐसे होता है कॉर्पोरेट्स में देखा है, आपको उसके हिसाब से बता, मतलब आप लिख रहे हो गलत नहीं है, अच्छा ही है, और बेटर हो जाएगा। आप अभी तो प्रोविजन लिखते हो, बस उसको मैं डेकोरेट कर रहा हूँ, मैं आपको पानी पिलाने वाला हूँ स्टील के गिलास में और कांच के गिलास में, पानी एक ही चाहिए, स्टील किसका अच्छा था है कांच का गिलास, बस बाकी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। अभी अभी समझा क्या, अभी समझा, हाँ पानी पानी बोला मैंने, अब इसमें क्या है चाय पिया कांच के इसमें क्या, हाँ तुम चाय पीते हो क्या, तुम चाय पीते हो, तुम चाय पीते हो, अरे तुम्हें क्या शर्मन, हाँ बोलो ना हम भी चाय पीते हैं। तुम एक बार तुम कल इनके साथ जाना, इनको चाय पिलाओ और फिर मेरे को मिला, विटामिन ए बी सी डी। ओके नाउ ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ध्यान से सुनना, अभी उन्होंने क्या बोला है, अगर उनको ऑफिस कहाँ पे चौक में है, तो लिखो केस टू और लिखो केस वन, केस टू ऑफिस ऑफ स्पीड कैब इज located in York, ठीक है, yes चाय पार्टी सार्थक यू आर राइट। अच्छा अभी अपन ने इसी में पढ़ा था, मैंने आपको ओला उबेर का भी एग्जाम्पल दिया, उबेर जब इंडिया में आया था उनका इंडिया में ऑफिस नहीं था, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था क्लास में कि आप में से कितने लोग ओला उबेर के ऑफिस में गए हो, एक भी नहीं, स्विगी के नहीं, जोमेटो, मेक माई ट्रिप, वाईबीबो नहीं, तो ये जो ईसीओ अर्बन क्लैब जितने भी ऑनलाइन ऐप है, वी नेवर गो टू देयर ऑफिसेस, तो दे माइट हैव सॉफ्टवेयर डेवलप आउटसाइड इंडिया, दे माइट हैव वेबसाइट आउटसाइड इंडिया, ऐप आउटसाइड इंडिया, ऐप तो आप कहीं से डाउनलोड कर सकते कि नहीं, तो उस केस में जीएसटी कौन भरेगा। तो अपन ने क्लास में पढ़ा था कि अगर ईसीओ का इंडिया में
लीगल ऑफिस नहीं है, दे हैव टू अपॉइंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया टू पे, बस यही उसका आंसर है, खत्म। क्या क्वेश्चन देखो, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द स्मार्ट कैप टेक्नोलॉजी न्यूयॉर्क एंड डज नॉट हैव रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। लिखो लीगल प्रोविजन, देखो मैं डिक्टेट करता हूं, अभी आपको लिखना है। थोड़ा तकलीफ दे रहा है, देखो। हेलो हेलो, वॉइस में प्रॉब्लम है, एक मिनट रहो। देखो लीगल प्रोविजन, हेलो हेलो, हाँ देखो लीगल प्रोविजन, इफ ईसीओ डज नॉट हैव लीगल प्रोविजन, इफ ECO does not have representative in India, if ECO does not have representative in India, they shall appoint a representative in India, they shall appoint a representative in India, they shall appoint a representative in India। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे लिखो एनालिसिस। हेलो, अरे आवाज नहीं आ रहा, अभी भी आवाज आ रहा है ना? अच्छा पहले बोले आ रहा है, नीचे बोलते वॉइस, समझा नहीं क्या ऐसे बोल, कौन आ रहा है मेरे को समझा नहीं। हाँ ठीक है, एनीवे लिखो एनालिसिस, इन गिवन सिचुएशन, इन गिवन क्वेश्चन, किडकैप इट टू अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया टू पे जीएसटी, किडकैप नीड टू अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया टू पे जीएसटी। तो मानसी लिखा क्या तुमने, बताऊं? अरे समझा कि नहीं आपको? हाँ चलो सेकंड क्वेश्चन, होटल ओनर प्रोवाइडेड एकोमोडेशन हरियाणा थ्रू ईसीओ कूल ट्रिप्स, ये ईसीओ का नाम है। द होटल ओनर इज नॉट लायबल टू रजिस्टर एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22(1), सेक्शन 22(1) इज बेस्ड ऑन टर्नओवर, जो अपन आगे रजिस्ट्रेशन में कवर करने वाले है। मतलब राइट नाउ इज अनरजिस्टर लैंग्वेज में, अभी क्या है वो अनरजिस्टर है। हु इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन दिस केस, बोलो कौन देगा जीएसटी? ईसीओ देगा। कौन देगा ईसीओ? नाम क्या है? कूल ट्रिप्स, है ना? तो कैसे लिखना आगे? पहला पॉइंट क्या आएगा? लीगल प्रोविजन। चलो अभी आप लिखो, दोनों सॉल्व करो, लिखो क्वेश्चन नंबर टू। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, मतलब आपको लिखने के लिए आसान होगा। लिखो, मैं डिक्टेट करता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर टू, देखो लीगल प्रोविजन क्या लिखना है। देखो रेडी सब लोग, देखो क्या लिखा आपने अभी, लीगल प्रोविजन। ओके लिखो, इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज, इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज provided through ECO, case of specified services provided through ECO, the liability to pay GST, the liability to pay GST, the liability to pay GST is upon ECO, the liability to pay GST is upon ECO। नेक्स्ट लाइन एनालिसिस, नेक्स्ट लाइन इज एनालिसिस, इन गिवन सिचुएशन
द होटल ओनर इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन गिवन सिचुएशन. द होटल ओनर इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू ईसीओ. मैं बताता हूँ ऑफिस, डोंट वरी, बताता हूँ. सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू क्या नाम है, ईसीओ, लिखो ब्रैकेट में कूल ट्रिप्स. कूल ट्रिप्स ही है ना, हाँ. सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू ईसीओ कूल ट्रिप्स. नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर GST is payable by Cool Trips. Therefore, GST is payable by Cool Trips. सही, मैं रिपीट करूँ क्या, क्या तुमने लिखा पूरा बताऊँ? ऑनलाइन डू यू वॉन्ट मी टू रिपीट एनीथिंग, प्लीज लेट मी नो. तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे. ऑनलाइन जरा बताओ, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फिर आपको क्वेश्चन लिखेगा, इसलिए. क्या होगा उनका इंडिया में अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा तो भी चलेगा, बट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना क्या है, जरूरी है. रिप्रेजेंट अपॉइंट करना क्या है, जरूरी है. बराबर ना, लिख दो वो भी आंसर. क्या लिखने से आंसर याद हो जाते हैं, तो लिखो. केस टू, जब एग्जाम में ऐसे दो क्वेश्चन आते हैं ना, ऊपर लिखना केस वन, बीच में लिखना केस टू. देखो केस टू, बोलो ऑनलाइन आंसर दो. केस टू में कौन जीएसटी देगा? जीएसटी उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, लेकिन क्या करना पड़ेगा लिखो. अभी डायरेक्टली आंसर लिखो, बट एग्जाम में दोनों लिखना है, लीगल प्रोविजन भी लिखना है. और अभी डायरेक्ट लिखो, इवन इफ ईसीओ, लिखो केस टू, लिखो इवन इफ ईसीओ doesn't have physical presence in India, even if ECO doesn't have physical presence in India, still they need to appoint, still they need to appoint a person representing ECO. Till they need to appoint, till they need to appoint person representing the ECO in order to pay GST, in order to pay GST. चलिए हो गया, बोलो थर्ड क्वेश्चन पढ़ो. एक बार थर्ड क्वेश्चन, अच्छा उसमें जो नया पार्ट है मैं आपको बताता हूँ. हो गया ऑनलाइन सबको क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स वांट टू ओपन क्लाउड किचन. अच्छा चैप्टर टू में इस पे न्यूमर करते हैं, बाकी पूरा थेरी. चैप्टर में खाली 9-5 के क्वेश्चन आते हैं, मैंने इतना किया है. कल सप्लाई के मैंने 20 क्वेश्चन बनाए, सप्लाई के, कल सप्लाई का लेक्चर है, तो कल सप्लाई के मैं 20 क्वेश्चन देने वाला हूँ. सेम टाइम जैसे चैप्टर खत्म होगा वील हैव रिविजन सेशन. तो अभी अपन ने चैप्टर 4 स्टार्ट किया है, वो जैसे खत्म होगा एक दिन उसका सेशन होगा. फॉर एवरी चैप्टर वील हैव एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन, जिनको अटेंड करना आप कर सकते. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. कौन सा पार्ट रिपीट करूँ सिद्धार्थ? लास्ट पार्ट में लिखना है क्योंकि इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा तो भी चलेगा, बट दे हैव टू अपॉइंट पर्सन रिप्रेजेंटिंग ECO who shall pay GST in India. इधर जो अपन ने ऊपर लिखा वो कॉपी करना है, सेम आंसर है. ओके तीसरा क्वेश्चन पढ़ो. ओपन क्लाउड किचन एंड सप्लाई रेस्टोरेंट सर्विस, मतलब वही है रेस्टोरेंट, ओनली थ्रू स्विगी प्रोवाइड कर रहे. द रेस्टोरेंट ओनर एक्स इज नॉट लायबल टू रजिस्टर, तो बोलो पहले केस में कौन जीएसटी देगा? ओके तो पहले केस में कौन देगा जीएसटी? स्विगी. यस यू आर राइट. तो कौन देगा यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ,
मतलब पूरा नहीं लिखेंगे, आपको आइडिया आ गया ठीक है। ओके अभी ध्यान से सुनना, ये TCS का पार्ट आपको है नहीं, इसका पार्ट आपको है नहीं। क्या मैं आपको बता दूं, जस्ट फॉर योर वैल्यूडेशन, सब लोग ध्यान से सुनना। अब ये है सर्विस प्रोवाइडर, अपन ने जितने केसेस देखे, बोलो अगर सर्विस प्रोवाइडर अगर रजिस्टर है तो ने रजिस्टर है ना, तो वो GST देगा, एक्सेप्ट टू थिंग्स, कौन सा? क्या मैन रेस्टोरेंट, वो छोड़ के अगर अर्बन क्लैब का एग्जांपल लिया था है ना, प्लम्बर फिटर वेल्डर, अर्बन क्लैब का एग्जांपल, हाउसकीपिंग सर्विसेज, ये कौन सा है? हाउसकीपिंग। ओके एनी, इसके थ्रू अपन ने सर्विस दिया है रिसिपिएंट को, तो बोलो तो GST कौन भरेगा बताओ? रजिस्टर पर्सन है तो कौन भरेगा? TCO भरेगा या हाउसकीपिंग वाला भरेगा? नहीं, रजिस्टर है, नहीं रजिस्टर पर्सन है ना, बंदे का GST का नंबर है, कब तो भरता है? तुम तीन केसेस आप समझ लो, सब लोग वापस बता रहा हूँ। पहले केस में सभी लोग अनरजिस्टर है, मैं आपको चार्ट मेरे पास इस लैपटॉप में नहीं है, लेट मी सी है तो दिखाता हूँ। हाँ? एक मिनट देखता हूँ, लेट मी सी है क्या लैपटॉप पे, नहीं ट्राई करता हूँ। डायग्राम, चलो ध्यान दो सब लोग, इसका आंसर आप देंगे, लास्ट क्वेश्चन। बोलो ये पांच सर्विसेज मिल गए आपको, कौन सी पांच है? बोलो, कैब, हाउसकीपिंग, होटल, रेस्टोरेंट एंड इटिंग जॉइंट्स इन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, जहाँ पे पर डे चार्जेस 7,500 से ज़्यादा है। इटिंग जॉइंट मतलब वहाँ पे रेस्टोरेंट भी और रूम भी है, एंड ओनली रेस्टोरेंट मतलब खाने का। तो ये पहला जो केस है, तो पाँचों लोग अनरजिस्टर्ड है, किसी के पास भी GST का नंबर नहीं है, तो बोलो GST कौन देगा? TCO, कोई प्रॉब्लम? अभी पांचों लोगों के पास GST का नंबर आ गया है, क्योंकि टर्न ओवर थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है, फिर भी इन दो केसेस में कैब एंड रेस्टोरेंट में कौन GST देगा? TCO देगा। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो हाउसकीपिंग का था, बोलो अगर हाउसकीपिंग का टर्न ओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो GST कौन देगा, TCO या हाउसकीपिंग? अभी समझा क्या आपको? पॉइंट आउट क्लियर हो गया? हाँ, तो बोलो पहला केस वापस बता रहा हूँ, लास्ट टाइम आखिरी बार, पांचों लोग अनरजिस्टर्ड है, मैं आपसे आंसर जानना चाहता हूँ, बोलो GST कौन देगा? परफेक्ट, पांचों लोगों के पास GST का नंबर है, लिसन केयरफुली, उसमें से दो वाले ECO भरेंगे, बाकी के तीन खुद भरना पड़ेगा। कौन से दो ECO भरेगा? कैब, ओला उबेर का GST उनको ज भरना है, जो सर्विस ड्राइवर रजिस्टर हो या ना हो, एंड स्विगी रेस्टोरेंट का GST कौन भरेगा? नहीं वो अलग है, इटिंग जॉइंट वो स्पेसिफाइड भी है ना, वर्ड आप ये नहीं पढ़ रहे, इटिंग जॉइंट इन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस है 7,500 वाला, वो वर्ड बराबर है बट उसके आगे भी एक वर्ड है, वो आप नहीं पढ़ा, आधा ही पढ़ा, समझा कि नहीं? वो रेस्टोरेंट ही ना, दोनों दोनों रेस्टोरेंट ही है, बस एक में रूम भी है जिसका रेंट 7,500 से ज़्यादा है, वो है वो रेस्टोरेंट डिच, एक ओनली रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट विथ रूम है, ये वर्ड कॉमन लगते हैं वो। एनी वे ये क्लियर है? हाँ, अभी बोलो पांचों का टर्न ओवर थ्रेशोल्ड लिमिट्स के ऊपर है, फिर भी बोलो कौन से दो केस में GST TCO देगा? बराबर है, मतलब बाकी का जो हाउसकीपिंग सर्विस है, अभी बताओ हाउसकीपिंग सर्विस रजिस्टर है, GST TCO देगा, कौन देगा? इन दैट केस यू विल डिडक्ट TCS, दैट केस क्या होगा? तो ये TCS का कॉन्सेप्ट को बताए, बोलो आपको सिलेबस में नहीं, मैं जस्ट पढ़ा रहा हूँ नॉलेज के लिए। कब आएगा TCS? जब ECO GST नहीं भरेगा तो वो क्या कट करेगा? TCS कलेक्ट करेगा, तो या तो ECO GST भरेगा, एंड जहाँ पे वो GST नहीं भरेगा वहाँ पे वो क्या करेगा? TCS
TCS कलेक्ट करेगा। अभी आपको सब कंफर्म ऑनलाइन आपको समझा। अच्छा लास्ट केस, इन पांचों लोगों ने डायरेक्ट सर्विस दिया कस्टमर को विदाउट ECO, तो 9-5 अप्लाई होगा नहीं, तो पांचों लोगों को खुद GST भरना पड़ेगा, फिर हाउसकीपिंग को भी खुद GST भरना पड़ेगा। फिर आपने डायरेक्ट फोन करके बोला हाउसकीपिंग को घर क्लीन करने के लिए, अर्बन क्लब से नहीं मंगाया है, तो अर्बन क्लब से मंगाएंगे तो अर्बन क्लब GST भरेगा, डायरेक्ट मेरे पास आया तो वो मेरे से GST लेके भर देगा। इज दिस क्लियर नाउ? अभी किसी को डाउट है तो पूछ लो, अभी एकदम परफेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। ऑनलाइन रिप्लाई करो समझा के नहीं, तो उसे रिकवर किया जाएगा, तो नहीं वो कंपलसरी है ना, नहीं क्या तो उसको पनिशमेंट लगेगा, नहीं उसको भरना पड़ेगा। मैंने नहीं भरा तो भी मेरे को गवर्नमेंट बाद में मेरे से वसूल करेगा, ऐसा बोल रहा हूं मैं। रजिस्टर हो या ना हो, हाउसकीपिंग का एग्जांपल दिया अभी, लास्ट के दो एग्जांपल ना, कैब ऑपरेटर एंड रेस्टोरेंट एटिंग जो GST इश्यू ही देता है कंपल्सरी, रजिस्टर हो या ना हो, उसमें अगर अनरजिस्टर है तो इश्यू देगा, रजिस्टर है तो आपको खुद को देना। जब आप खुद GST भरेंगे तब ECO TCS कलेक्ट करेगा। हाँ तो ECO दो रोल प्ले करेगा यहाँ पे, एक या तो GST भरेगा तो TCS का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, एंड जब वो GST नहीं भरेंगे तो बस आपको ध्यान में रखना है, बाकी TCS का आपको एग्जाम में ज़्यादा नहीं आएगा, बस बात निकली इसलिए आपको मैंने बता दिया। हाँ तो बोलो इस क्वेश्चन में कौन आंसर देगा, बोलो अभी पहला क्वेश्चन में स्विगी, दूसरा बोलो TCS की जरूरत है क्या? नो, क्यों? क्योंकि स्विगी खुद ही GST भर रहा है तो TCS की प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। एंड ये मैंने क्वेश्चन पूछा था, कैन ECO यूज ITC टू पे टैक्स? नो, ने कहा था कि ECO जो कलेक्ट करेगा गवर्नमेंट को कंपलसरी भरना पड़ेगा, उनके ITC के साथ वो एडजस्ट नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट था, स्पेशली आखिरी के दो। तो जस्ट एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आज जो पढ़ा है TCS एक बार रिवाइज करते हैं। ECO दो रोल परफॉर्म करेगा, अगर वो GST भर रहा है तो आपसे TCS कलेक्ट नहीं करेगा, एंड आपसे GST वो नहीं भर रहा है तो TCS कलेक्ट करेगा। बट रेस्टोरेंट के लिए हमेशा GST कौन भरेगा? स्विगी। तो रेस्टोरेंट वाला रजिस्टर हो या ना हो, ऑलवेज GST कौन भरेगा? ECO भरेगा, TCS का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। एंड स्विगी को जो GST देना है वो कंपलसरी गवर्नमेंट को पे करना है, स्विगी के इनपुट्स पे जो GST है वो वहाँ पे यूज नहीं होगा, जैसे अपने RCM में किया था ना उसी तरह से खत्म। 9-5 क्लियर है एकदम? तो अभी आज घर पे आपको रिवाइज करना है 9-5, एंड फिर जो डाउट्स है मेरे को पूछना है आपको, बट अच्छे से रिवाइज करना, ऊपर ऊपर से नहीं, इन एंड आउट रिवाइज करना, मेरा वीडियो देखना मेन वाला, अगर डाउट है तो देन आस्क मी डाउट्स, ठीक है? कल अपन मिलेंगे, सप्लाई के 20 क्वेश्चन करा के लेने वाला, अच्छे वाले 20 क्वेश्चन सप्लाई के, अलग अलग इसमें 7-1A, B, C, D अलग अलग क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है? ऑनलाइन आपको सेशन कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो अच्छा बताना, बुरा लगा तो मत बताना, बट अच्छा लगा तो ज़रूर बताना। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन बस आप फीडबैक देना आपको लेक्चर कैसा लगा, एंड इस टाइप के क्वेश्चन इनफ है क्या? ये परफेक्ट है एकदम, ओके ना? चलिए ऑनलाइन थैंक यू सो मच, शुभम थैंक यू सो मच, चलो बाय बाय।